नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम फ़न और फ़नकार के तहत एक बेहद अहम अफसाना नगार से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, और वो अफसाना नगार, नावल नगार, ड्रामा नगार हैं जनाब मोहम्मद मज़हरुज़्ज़मा ख़ान। मज़हरुज़्ज़मा ख़ान साहब का आबाई वतन बीदर है, लेकिन आप बचपन में ही हैदराबाद तशरीफ़ ले आए और फिर यहीं के हो रहे। आपके कई अफसानवी मजमूए, नावल, ड्रामों के मजमूए शाया हो चुके हैं। इसके अलावा तनकीदी मजामीन भी आपके शाया हो चुके हैं। रेडियो के लिए भी आपने कसरत से लिखा है। आपके अफसानवी मजमूए ख़ास तौर से दस्तकों का हथेलियों से निकल जाना, शोरीदा ज़मीन पर दम बखुद शजर, इस आबाद बयाबा में एक शहर जो कभी आबाद था, ये तमाम आपके अफसानवी मजमूए हैं। इनके अलावा आपने आखिरी ज़मीन और आखिरी दास्तानगो के नाम से बेहद अहम नावल लिखे हैं, जिनकी इल्मी और अदबी हलकों में खासी पजीराई हुई है। इनके अलावा आपके ड्रामों का मजमूआ दर्द का पोर्ट्रेट के नाम से शाया हुआ है। मज़हरुज़्ज़मा ख़ान साहब हैदराबाद की इल्मी व अदबी महफिलों की जान समझे जाते हैं। इनकी इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में कई अहम इनामात एज़ाज़ात भी पेश किए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ अकादमियों के इनामात शामिल हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम में मोहम्मद मज़हरुज़्ज़मा ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम उनसे उन्हीं की ज़बानी उनका अफसाना सुनेंगे। आपका खैर मकदम है सर उर्दू नामा के इस प्रोग्राम। शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। अब मैं मोहम्मद मज़हरुज़्ज़मा ख़ान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपना अफसाना उर्दू नामा के सामईन नाजरीन के लिए पेश फरमाएं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। कहानी का अनुमान है आखिरी पोस्ट में। फ़ज़ा में चारों तरफ गर्द गुबार ही गर्द गुबार सा था, जैसे अनगिनत जानवरों के गुजरने के बाद धूल ही धूल हर तरफ फैल जाती है। चुनाचे सारे रास्ते सुनसान से लग रहे थे और तमाम दरख्त अपनी अपनी जगह दम्बखुद खड़े हुए थे, जैसे कोई लकड़हारा उनके खदों में कोई चीज़ रख गया हो, रखकर चला गया हो। और तमाम गली कूचों में एक अजीब खामोशी सी छाई हुई थी और तकरीबन मकानात अपनी अपनी जगह पर चुपचाप से एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि पूरे मोहल्ले से इलाके या बस्ती पर एक बांझ बांझ सी उदासी फैली हुई थी, जैसे फसाद के बाद कर्फ्यू नाफिज़ कर दिया गया हो या फिर सूरज सबानेजे पर उतर आया हो। और एक पोस्टमैन ऐसे मायूसकुन माहौल में एक हाथ में खत लिए, जिस पर दुनिया भर की शहरों से और बस्तियों की मोहरें लगी हुई थी, कि खत पूरी ज़मीन का सफ़र करता हुआ मुझ आखिरी पोस्टमैन के हाथों तक पहुंचा था, कि शायद अब तक इस खत का कोई बारिश नहीं मिला था और अब मैं इस आखिरी बस्ती का आखिरी पोस्टमैन इस खत को लिए घरों पर दस्तकें देते हुए घूम रहा था, कि शायद ये शख्स मिल जाए जिसके नाम पर ये ख़त आया था। और इस गली में अब मैं दाखिल हो रहा था, इसका पहला घर गहरे नीले रंग का था, जिसके दरवाजे जर्दीले थे और उसकी बंद खिड़कियां गहरे सुर्ख रंग की थीं, कि पूरा घर पथरीला था और घर के सामने चार शिकस्ता सीढ़ियां थीं जो इधर उधर से टूटी हुई थीं, और उनमें टूटी फूटी सीढ़ियों को उबूर करने के बाद नीले रंग का दरवाजे पर पहुंचा और फिर जंगालू जंजीर को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए पोस्टमैन की सदाएं लगाई। लेकिन कुछ देर तक जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर मैंने दोबारा बजाते हुए पोस्टमैन की आवाज़ लगाई, चुनाचे अब की बार कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक चिचराहट के साथ दरवाज़ा खुला और मैंने इस खत को आने वाले की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन उस शख्स ने खत पर लिखे नाम को देखकर कहा, यह खत जिस फर्द के नाम पर आया है वो इस घर में नहीं रहता, बल्कि इस नाम का कोई भी शख्स इस घर में नहीं मौजूद नहीं है। और फिर वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। चुनाचे अब तक जितने घरों में ये खत लेकर गया था, सुबह का एक ही जवाब था कि इस नाम का कोई भी फर्द इस घर में नहीं रहेगा। हालांकि इन तमाम घरों के अंदर से कई किस्म की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, ऐसी आवाज़ें जिनका कोई मफहूम नहीं था, यानी बेमानी बेमफहूम आवाज़ें। चारों तरफ खामोशी तारी थी और हर तरफ गर्द गुबार ही गर्द गुबार था, जैसे बेशुमार जानवरों को के गुजरने के बाद गर्द उड़ती चली गई है। और मैं इस खत को लिए घर घर घूम रहा था कि शायद वो कहीं मिल जाए जिसके नाम पर ये खत आया है।
चुनाचे मैं इस बस्ती या इस पूरे इलाके के तमाम घरों पर पहुंचकर दस्तकें और आवाज़ें देने के बाद मैं जिस घर पर अब जा रहा था वो इस बस्ती का आखिरी आराम घरों से हटकर घर था। इसके बाद कोई दूसरा घर मौजूद नहीं था कि तमाम घर खत्म हो चुके थे। दिन ढलने को था कि सूरज अपना सफ़र तमाम कर चुका था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो लहू लहान सा लग रहा था कि दफ़तन हवा के तेज झोंके के साथ कागज़ का एक टुकड़ा उड़ता हुआ आकर मेरे पैरों से लिपट गया। मैं उसे उठाकर पढ़ने लगा। लिखा था, कैक्टस पर लेटे हुए नंगे मौसम खांसते कर्राहते हुए रात और दिन चकराते घूमते उलटते बल खाते हुए खुद से टकराते हुए बेजार लम्हे झूठे मेज़बान दीमक ज़दा औजान कांपते थरथराते हुए चोर हाथों में गलत पैमाने मिलावटों से भरी हुई चीज़ें झूठी ग़िज़ाओं का ढेर नकली दवाओं के नीचे दबे हुए बीमार जिस्मों का अंबार और बेशुमार फरेबों के जाल है सब के सब दज्जाल जैसे पीले और जर्दीले सियाह नारंगी कांटेदार जंगल जिनमें आंखों पर पट्टी बांधी हुई नंगी औरतों के एक दूसरे से उलझते हुए टूट टूट कर गिरते हुए लहू टूटते हुए मरते हुए मनाजिर कानून की किताबों के अंदर जंगली जानवरों की झूठी कहानियों की झुटकाए हुए मसनवी औराक बेशरम बेगैरत बेएहसास और बेहया कच्चे गोश्त के चलती हुई विशान दुकानें और उल्टे पंजों की तरफ दौड़ते हुए सही दबाव के गुमशुदा और चारों तरफ पागलों का रख सीख पुकार हाव हू का शोर झूठ के बाजारों में सच्चाई चादर ओढ़े चुपचाप बैठी हुई और मसीहा हाथों में हथियार लिए ईमानदारों का नकाब ओढ़े खसाई के किस्म के मालिश और दर्ज गाहों में धमाधम बज रहे हैं ढोल और तारीख व निसाब का छूटा खौल और हर तरफ ज़मीन पर खून निचोड़ते खून बहाते अय्यारों मक्कारों का राज ही राज। ये कहाँ आ गया मैं आज कागज़ का एक अकेला बेऐब बेदाग सच्चाई को जिस्म पर छपाए तस्वीर लिए गर्द गुबार खून उगलते हुए जानवर से भरी ज़मीन पर मैं ये कहाँ आ गया। कागज़ पर लिखी हुई इबारत को पढ़ने के बाद उसका गोला बनाया उसने और फिर एक तरफ फेंक कर तेज तेज कदमों से बस्ती के आखिरी घर पर पहुंच गया जो बेरंग था कि उस घर का कोई रंग ही नहीं था जो देखने में आसेब ज़्यादा लग रहा था। बहरहाल इस घर पर पहुंचकर दरवाज़ा मैंने खटखटाया पोस्टमैन की आवाज़ निकाली लेकिन दो तीन आवाज़ देने के बाद घर का दरवाज़ा खुला और फिर मैले कुचीले लिबास में अधड़ उम्र का शख्स अंदर से बरामद हुआ और मैंने इस खत को उस शख्स की तरह बढ़ा दिया लेकिन खत पर लिखे नाम को देखकर उसने कहा यह खत किसी इंसान के नाम के पर लिखा हुआ है और इस पूरे घर में बल्कि इस पूरी बस्ती में बल्कि पूरे ज़मीन पर एक भी इंसान मौजूद नहीं है कि चारों तरफ हम जैसे ही मौजूद हैं। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर गायब हो गया था और फिर मैं इस दौर का आखिरी पोस्टमैन एक सर्द आह भरते हुए बस्ती के आखिरी घर से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर के पिछले हिस्से में उगे हुए पीपल के एक दरख्त की तरफ बढ़ा जिस पर हम अकसाम के परिंदे बैठे ऊँग रहे थे। मैं उनमें से एक परिंदे को पकड़ता हूँ और फिर उस खत को परिंदे के पंजे में बांध देता हूँ और फिर उसे आसमान की तरफ उछाल देता हूँ तो दरख्त पर बैठे हुए परिंदे अपनी अपनी आवाज़ों में चीखने लगते हैं। बहुत खूब। इस अफसाने का एक जुमला कमाल का है, झूठ के बाज़ारों में सच्चाई चादर ओढ़े हुए चुपचाप बैठी हुई। हमारे अहद की जो हशर सामानियाँ हैं, जिस तरह का कर्बो इस्तराब है, वो तमाम इस अफसाने में सिमट आया है। और आज कोई भी नेकी की राह पर चलने के लिए या अच्छी बातें अगर कोई बता रहा है तो उसको सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। आज जिस तरह से हमारी कदरें ख़त्म होती जा रही हैं, जो इंसानियत की आला अकदार थी जिस तरह से वो बिल्कुल मलियामेट हो रही हैं, उन तमाम का आपने बेहतरीन खाका इस अफसाने में पेश कर दिया है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं सर आपका कि आपने उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए इतना खूबसूरत अफसाना मुंतखब किया और हमारे नाज़रीन के लिए पेश किया। शुक्रिया नाज़रीन। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए फ़नकार के साथ, उनकी किसी और अहम तख्लीक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।